हेलो बच्चों, नमस्कार। आपके बीएससी सेकंड ईयर के पेपर फोर्थ की पेपर थर्ड की फोर्थ यूनिट को हम डिस्कस कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में हम जो डाइवर्सिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है उसके हमने स्टेम्स, रूट्स, लीव्स आदि को हम समझ रहे थे। फिर हमने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स स्टार्ट कर दिया था, तो हम फ्लावर को डिस्कस कर रहे थे। तो फ्लावर के भी हमने विभिन्न भाग को डिस्कस कर लिया था। आज हम इस वीडियो में एंड्रोशियम यानी कि पुमंग, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और गाइनोशियम यानी कि जायांग, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम अध्ययन करेंगे एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम यानी कि पुमंग एवं जायांग, जो कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो सबसे पहले हम करते हैं एंड्रोशियम को। एंड्रोशियम आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। यह जो एंड्रोशियम है, पुष्प का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव है, जो दल पुंज के अंदर की ओर स्थित रहता है। इसके भाग पुंकेसर कहलाते हैं, जिसके निम्न भाग होते हैं, मतलब दल पुंज के अंदर है और पुंकेसर यानी कि स्टेमंस कहलाते हैं और इसके निम्न भाग है। आप ये देखिए स्टेमंस, इसको आप देख सकते हैं अच्छी तरह से डायग्राम में। तो सबसे पहले है फिलामेंट, जो लंबा तंतुनुमा दिख रहा है आपको, वो तो है फिलामेंट। यह है पराग कोश को यानी कि एंथर लोब्स को थामने का कार्य करता है। पराग कोश पुतंतु पर, फिलामेंट या पुतंतु, हम हिंदी में इसको पुतंतु कह सकते हैं, पुतंतु पर जुड़े रह सकते हैं। तो फिलामेंट एंथर लोब से किस तरीके से जुड़ा होता है, इसकी भी टर्मिनोलॉजी है कि वो किस किस तरीके से जुड़ा रह सकता है। तो स्टेमंस जो है उनमें दो भाग होते हैं मुख्यतः, एंथर लोब और फिलामेंट। एंथर जो है दो पालियां होती है इसकी, और ये फिलामेंट से जुड़ा होता है। तो एंथर लोब्स जो हैं फिलामेंट से किस किस तरीके से जुड़े रहते हैं, तो सबसे पहला है डॉर्सी फिक्स्ड यानी कि पृष्ठ लग्न। नाम से ही हम समझ सकते हैं कि पराग कोश के यानी कि एंथर लोब के पृष्ठ भाग से अगर पुतंतु या फिलामेंट जुड़ा हुआ हो, तो ये जो कंडीशन है ये कहलाती है डॉर्सी फिक्स्ड यानी कि पृष्ठ लग्न। पृष्ठ यानी पीछे की ओर, लग्न यानी लगा हुआ, फिक्स। फिर है बेसी फिक्स्ड अध्योबद्ध, पराग कोश के आधार से पुतंतु जुड़ा हुआ हो, ऐसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे, बेसी फिक्स्ड। फिर है एडनेट यानी कि संलग्न, जब पराग कोश से पुतंतु आधार से लेकर शीश तक जुड़ा रहता है, तो इस स्थिति को एडनेट या संलग्न कहा जाता है। फिर है वर्सेटाइल यानी कि मुक्त डोली, पराग कोश लंबा होता है एवं पुतंतु इसके पृष्ठ से एक बिंदु जुड़ा हुआ होता है, जिससे पुंकेसर हवा के झोंके से भी पराग कोश हिलडुल सकता है। नेक्स्ट है एंथरलोब्स यानी कि फिलामेंट हम देख चुके, अब एंथरलोब या पराग कोश। पराग कोशों की संख्या जब दो होती है तब यह द्विकोष्ठी तथा एक होने पर एक कोष्ठी कहलाते हैं। दोनों पराग कोश व पुतंतु एक योजी यानी कनेक्टिव द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। पराग कोश में परागपुट पॉलन चैम्बर होते हैं, जिनमें अर्धसूत्री विभाजन के बाद अगुणित परागकण बनते हैं। ये देखिए आप पॉलन ग्रेन देख सकते हैं, परागकण या पॉलन ग्रेन बनता है। पराग कोश विभिन्न आकार के हो सकते हैं, जैसे कि वृक्काकार या रेनिफॉर्म, बाणाकार, सजिटेट, लंबवत, उपांग स्पर युक्त इत्यादि। पुंकेसर में जब क्रियाशील परागकण बनते हैं यानी कि वायबल, जो कि एक्टिव रह सके, अलाइव रह सके, जीवित रह सके, तब वह उर्वर और नहीं बनने पर बंध्य पुंकेसर कहलाता है, स्टेमिनोड। पुंकेसर को स्टेमिनोड कब कहते हैं, कि जब या तो नहीं बने या क्रियाशील नहीं हो। तो ऐसी स्थिति को
हम ये पार्ट्स हैं फ्लावर में, पेटल्स, कोरोना, सेपल्स, एंथर, स्टेमिना, फिलामेंट, एंड्रोशियम, ये आप देख सकते हैं एंड्रोशियम के पार्ट्स हैं। अब हम देखते हैं पराग कोश का स्फुटन वो किस प्रकार से होता है। डहिसेंस ऑफ एंथर, अनुदैर्ध्य पराग कोशों का स्फुटन लंबवत छिद्रों द्वारा होता है, यानी कि जो लॉन्जिट्यूडनल पराग कोश है, पॉलन सैक है, तो उसका स्फुटन लंबवत छिद्रों द्वारा होता है। अनुप्रस्थ पराग कोशों का स्फुटन अनुप्रस्थ छिद्रों द्वारा होता है और छिद्रिल शीर्ष अथवा आधार पर उपस्थित छिद्रों द्वारा स्फुटित होते हैं। कपाटीय यानी कि वॉल्व्यूलर, जिसकी कपाट हो, गेट जैसा कुछ बना हुआ हो, पराग कोश कोश भित्ति के एक भाग के कपाट रूप में अलग हो जाने पर होता है। पराग कोश का खांच युक्त अधरतल जायांग की ओर होता है, जिससे पराग कणों का स्फुटन अंदर की तरफ होता है। यह अवस्था अंतर्मुखी यानी कि इंट्रोस कहलाती है। जब स्फुटन बाहर दल की ओर होता है तब यह बहिर्मुखी एक्सट्रोस कहलाता है। जब पुंकेसर दल पुंज के बाहर दिखाई देते हैं तब वह नीसरत या एक्सर्टेड तथा दलपुंज नलिका के अंदर ही रहने पर आलग्न या इंसर्टेड कहलाते हैं। तो ये जो टर्मिनोलॉजी थी वो एंथर सैक और किस प्रकार से डहिसेंस होता है हम कहलाते हैं। डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, आलग्न और निसरप्त किस प्रकार से डहिसेंस होता है। अब हम देखते हैं एंथर नंबर, इंसर्शन, कोहेशन एंड एडहेशन, यानी कि पुंकेसर की संख्या, पुंकेसर किस प्रकार के होते हैं, एक दो तीन संख्या देखेंगे उसकी, उनका निवेशन यानी कि वो किस प्रकार से लगा हुआ है, संसंजन व आसंजन उनका देखेंगे। तो पुंकेसर की जो संसंजन है या संख्या है, पुंकेसर की संख्या एक पुंकेसरी, एक पुंकेसर का क्या मतलब है, जब एक ही हो पुंकेसर तो उसको बोलते हैं मोनोएंड्रस या एक पुंकेसरी, द्विपुंकेसरी जब दो हो डाइडेंड्रस, त्रिपुंकेसरी यानी ट्राइएंड्रस, चतुर्पुंकेसरी टेट्राएंड्रस, पंचपुंकेसरी पेंट्राएंड्रस, षष्ठपुंकेसरी हेक्साएंड्रस या अनगिनत इन्फाइनट हो सकते हैं। यह सभी स्वतंत्र व एक लंबाई के यानी कि होमोडाइनमस अथवा अलग अलग लंबाई के हेट्रोडाइनमस हो सकते हैं। तो हमने देखा कि जब अगर सेम ही हो लंबाई सबकी ऑलमोस्ट सेम हो तो हम उसको कहते हैं होमोडाइनेमस, और जब विभिन्न लंबाई हो अलग अलग, जैसे कि सात आठ पुंकेसर प्रेजेंट हो, तो पुंकेसर जब अलग अलग हाइट के हो तो उसको हेट्रोडाइनेमस कह सकते हैं। अब हम देखते हैं कि दीर्घीकरण कैसे पाया जाता है जब भिन्न भिन्न हो, तो जैसे कि टेट्राएंड्रस, जब कुल छः पुंकेसर में दो छोटे बाहरी चक्र में वह चार बड़े भीतरी चक्र में व्यवस्थित रहते हों, तो इसका एग्जाम्पल है ब्रेसिका। और फिर द्विदीर्घी यानी डाइडाइनमस, जब कुल चार पुंकेसरों में दो छोटे व दो बड़े होते हैं, जैसे कि ऑसिमम। अब इनका कोहेशन देखते हैं हम कि कोहेशन किस प्रकार से है। जब एक ही चक्र के सदस्यों में संलग्नता हो तब वह संसंजन कहलाती है। इसमें अगर केवल पुंकेसर एक या एक से अधिक समूह में पुतंतु द्वारा जुड़े रहते हैं तो वह संघी यानी कि एडल्फस स्थिति कहलाती है। और ये बहुत से प्रकार की हो सकती है, जैसे कि मोनो एडल्फस या एक संघी, पुंकेसर के पुतंतु संयुक्त होकर एक संघीय नलिका का निर्माण करती हैं, जैसे कि मालवा, द्विसंघी डाई एडल्फस, पुतंतु संयुक्त होकर दो संघों का निर्माण करते हैं, जैसे कि पाइजम। फिर बहुसंघी पॉली एडल्फस, जब पुतंतु संयुक्त होकर दो से अधिक संघ बना लेते हैं, जैसे कि सिट्रस में। यह आप डायग्राम में देख सकते हैं, एक संघी, द्विसंघी, बहुसंघी और युक्त कोशी और सपुमंगी। युक्त कोशी किसे कहेंगे, सिनजेनेशियस, पुतंतु एक दूसरे से स्वतंत्र किंतु पराग कोश आपस में जुड़े हुए हों, वह वर्तिका के चारों ओर एक बेलनाकार संरचना बना रहते हैं, जैसे कि हेलियंथस में, हेलियंथस के फ्लावर में ऐसी ही पुंकेसरों की संरचना रहती है। सपुमंगी, सिनएंड्रस,
इसमें पुतंतु एवं परागकोश अपनी पूरी लंबाई में जुड़ जाते हैं, जैसे कि रसकस। फिर है आसंजन एडहेशन, इसमें पुंकेसर दल, परिदल अथवा जायांग के साथ जुड़े रहते हैं। तो जब जुड़े रहते हैं तो एक तो अवस्था क्या क्या बनती है, एक तो दल नग्न की एपिपिटेलस, जब पुतंतु दल पर कम अथवा अधिक दूरी लिए जुड़े रहते हैं तो इसको, इस अवस्था को हम कहते हैं दल लग्न एपिपिटेलस। इसका एग्जांपल है थेवेशिया। फिर है परिदल लग्न एपिफाइलस, जब पुतंतु परिदल पर कम या अधिक दूरी तक जुड़े हों, जैसे कि नार्सिसम एक्स का एग्जांपल है। फिर है गाइनेंड्रस पुंजायांगी, इस अवस्था में क्या होता है कि पुंकेसर जायांग से जुड़े रहते हैं, जैसे कि ऑर्किडेसी। फिर है पुम वर्तिकाग्र छत्र गाइनोस्टेजियम, पुमंग द्वारा जायांग के पंचकोणीय वर्तिकाग्र का रक्षक आवरण बन जाता है, पर यह संयुक्त नहीं होता है, जैसे कि कैलोट्रोपिस में। तो बच्चों, ये तो थी हमारी एंड्रोशियम से रिलेटेड विभिन्न प्रकार की टर्मिनोलॉजी। अब हम देखते हैं गाइनोशियम को, कि गाइनोशियम में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, विभिन्न प्रकार जो होते हैं, इसकी क्या क्या टर्मिनोलॉजी है। तो गाइनोशियम को हम डिस्कस करते हैं। तो जायांग को बनाकर पुष्पासन समाप्त हो जाता है तथा ये केंद्र में तथा पुष्पीय पत्रों के सबसे अंतिम चक्र के रूप में उपस्थित रहता है। इसके जो भाग है वो है सबसे पहले स्टिग्मा, देखिए आप ये देखिए डायग्राम में, शीर्ष पर जो है वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा, मध्य में स्टाइल यानी कि वर्तिका, वर्तिकाग्र वर्तिका, और सबसे नीचे का फूला हुआ भाग ओवरी यानी कि अंडाशय कहलाता है। इसमें अनेक गोल या अंडाकार बीजांड होते हैं जो बीजांडांसन द्वारा अनेक प्रकार के विन्यासित होकर बीजांड न्यास का निर्माण करते हैं, जैसे कि हम आगे डायग्राम में देख सकते हैं। ये आप देखिए जायांग के जो अनुप्रस्थ काट है और अनुलंब काट, उनमें आप देखिए विभिन्न प्रकार के बीजांड न्यास। तो बीजांड न्यास द्वारा अनेक प्रकार के विन्यासित होकर बीजांड न्यास यानी प्लेसेंटेशन का निर्माण करते हैं। स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र जब अनुपस्थित होता है तब यह अवृंत कहलाती है, वह वर्तिकाग्र समुंड कहलाता है। जब यह छत्रक के आकार का हो जाता है, कैपिटेट यानी कि छत्रक का आकार का हो जाता है। वर्तिकाग्र लंबी एवं पिचकी प्लेमूज हो सकती है, तश्तरी के समान हो सकती है, डिस्कोइड इस तरीके से, ये इस तरीके से तश्तरी के समान, डिस्कोइड, पालीवत यानी डंबल, रेखित यानी लीनियर, हुड समान है ना, हुड यानी रेडिएट हुड लाइक है ना, और द्विशाखी यानी बाइफिड भी हो सकती है। तो विभिन्न प्रकार की हो सकती है वर्तिका। अब हम वर्तिकाग्र का देखा हमने किस 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 प्रकार की होती है, तो अब हम देखते हैं स्टाइल यानी वर्तिका किन किन प्रकार की हो सकती है। अंडाशय के ऊपर स्थित होती है, वे उसे निम्न प्रकार से संयुक्त हो सकती है, जैसे कि टर्मिनल, टर्मिनल यानी अंतस्थ, शीर्ष पर। जब अंडाशय के शीर्ष पर उपस्थित हो तो वो अंतस्थ स्थिति कहलाती है। फिर है लेटरल यानी कि पार्श्वीय, अंडाशय के पार्श्व में यानी पीछे की ओर उपस्थित हो तो। फिर है जायांग नाभिक गाइनोबेसिक, वर्तिका पुष्पासन से सीधे जुड़ी रहती है तथा दो अथवा ये जो है दो अथवा चार पालियां लोब्स उसे घिरे रहती है। रोमिल अथवा रंगीन तथा दलाब वर्तिका भी कुछ पादपों में उपस्थित रहती है। और फिर इसका जो थर्ड पार्ट है, स्टिग्मा देखा, स्टाइल देखा है हमने, अब देखेंगे ओवरी यानी अंडाशय। जायांग का यह सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, इसके अंदर बीजांडासन पर बीजांड लगे होते हैं यानी ओव्यूल्स लगे रहते हैं, तथा इनके लगने के विन्यास को बीजांड न्यास या प्लेसेंटेशन कहा जाता है। अंडब एक अथवा अनेक हो सकते हैं तथा पुष्पासन पर आपस में जुड़े हुए या मुक्त हो सकते हैं। जब दो अंडब जुड़े
रहते हैं तब वह द्वि अंडपी, तीन के संयुक्त होने पर त्रि अंडपी तथा इस प्रकार चार पांच अथवा अनगिनत अंडप जुड़े रह सकते हैं। तट पर जुड़ने से उस स्थान को अधर सीविनी वेंट्रल सुचूर कहते हैं। जब अधर सीविनी मध्य तक जाकर अंडपों को एक दूसरे से जोड़ती है तब जितने अंडप जुड़ेंगे उतने ही कोष्ठ होंगे, किंतु जब अधर सीविनी सिर्फ तटों पर ही सीमित रह जाएगी तब अंडपों की संख्या अधिक होगी किंतु कोष्ठों की संख्या सदैव एक ही होगी। तो बच्चों ये थी हमारे गाइनोशियम से रिलेटेड विभिन्न प्रकार के भाग, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी। तो अब हम जो आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि जो ओवरी है, ओवरी में प्लेसेंटेशन यानी बीजान्यास ओव्यूल जो है किस प्रकार से व्यवस्थित रहता है उसका हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।